शुरू कर। हाँ शुरू ऐसा। को बकरा खसी करने का ना सही तरीका बता रहे हैं, हमने उसे आईवी किया है एनेस्थीजिया, लेकिन इतनी डोज में दिया है कि बकरा हल्का सा सेडेट हो। कई दफ़ा ऐसे आता है ये जो छोटा है इनमें एनेस्थीजिया प्रॉपर वर्क नहीं करता और जो है ना जानवर वो अक्सर मौत के मुंह में चला जाता है, तो इन्हें एनेस्थीजिया जब भी देना हमेशा आईवी देना है और थोड़ी सी मकदार में देना है कि उसे हल्की सी सीडेशन हल्की सी नींद आए। असल आपने यहाँ पर लोकल एनेस्थीजिया का इस्तेमाल करना है, ये जो आते हैं बकरे को पकड़ा और कटक कर दिया इस तरह खसी जो है ना नहीं करना। अब दूसरी बात, जब भी बकरे को नीचे लेटाना तो वो देखें उसकी आँख के नीचे हमने शापर या कपड़ा कोई चीज़ देनी, आँख में मट्टी लाजमी जाती है। ये सिरिंज खोलेंगे और इसको ख्याल से अपने पाँव के नीचे रखना है आपने, हाथ शाथ से नहीं पकड़ना, रगड़ लग जाएगी। ये लोकल एनेस्थीजिया ले रहे हैं कम अज़ कम 10 ml, ये यहाँ पर जो है ना हम इसे प्रिक कर रहे हैं और बड़ा वाइडली प्रिक कर रहे हैं दोनों टेस्टिकल्स में। 10 के बजाय आप 20 ml भी कर सकते हैं, ये जितना करेंगे एनिमल को उतना पेन कम होगा। जी तुम, ये हमारे पास एक आम का स्केल्टर है, आम मैन्युफैक्चर किया हुआ तो नहीं है लेकिन ये पाकिस्तान के जितने भी हैं ना मैन्युफैक्चरर्स उनमें से जो टॉप मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका है। आप ये देखें कुछ अर से इस्तेमाल कर करके ये लूज़ हो चुका है। फील्ड में आते हैं इसको करेंगे इस्तेमाल, इसके दौरान कपड़ा रख लेंगे, ये बकरा खसी नहीं करेगा। इसकी फिनिशिंग चेक करें, हर चीज़ चेक करें, ये बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है, लेकिन हमें फील्ड में ये काम नहीं करता। जिस मैं क्यों बकरा खसी करने के चार्जेस आम लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा ले रहा हूँ, उसकी वजह यही है हमने एनिमल को सीडेट किया, फिर उसको दोबारा लोकल एनेस्थीसिया दिया। पेन लेस अगर हम उसको कर रहे हैं तो ये जो बुर्डिजो कास्टेटर है जिसके पास ये होगा वो कहेगा जी बहुत अच्छा है, लेकिन इसके एजेस वगैरह सही बने हुए लेकिन इसे सही कास्टेट नहीं करेगा। ये कास्टेटर जो है ना हमने जुंजी वालों से मंगवाया, इसकी आप फिनिश प्रॉपर और हर चीज़ ये चेक करें। देखें ना ये जोर लगा रहा हूँ तो ये हो रहा है, इसने कास्टेट करना है और ये बायर यूएसए यूके और वहाँ पर इंपोर्ट होता है, तो जहाँ ये हमें 3,000-1,000 रुपये का सबसे अच्छा मिल जाता है, वरना 1,700-1,800 रुपये का मिलते है, हमने उसकी जगह ये 6,500 रुपये का मंगवाया। मंगवाने की वजह यही है कि जो हम एक्सट्रीम और अच्छा रिजल्ट चाहते हैं अपने जानवरों के अंदर, हमें बार बार कंप्लेन ना मिले। ये जी कपड़ा लेंगे, उसकी 4 तहें बनाएंगे, ये स्क्रोटम मशीन आगे आ गया। इसको बड़ा आसानी से इसकी ये साइड पर ले जाएंगे स्क्रोटम को, ठीक है ना, और ये जगह नीचे रख कर, ठीक है ना, दो एंगल हम कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी, हम इसे 45 के एंगल पर करें या 90 के एंगल पर, तो इसकी एडजस्टमेंट एक दफ़ा सही हो जाए फिर जो है ना हम इसको काटेंगे, और जब ये काटेंगे जहर सी बात है तब ये हिलेगा। ये अब देखें मैंने इतनी ज़ोर का कंप्रेस किया, हर चीज़ की है, बकरा कोई फड़फड़ाया या कुछ हुआ करने की वजह हमारा ये वाला एनेस्थीसिया भी काम कर ले और जनरल से सीडेशन वो सो भी रहा है, लेकिन वो प्रॉपरली बेहोश नहीं हुआ, देखें उसे पकड़ा हुआ जानवर, क्योंकि मालिक बाद में परेशान, एनेस्थीसिया लगा, उसकी कोई सर्जरी वगैरह तो हुई नहीं है, थोड़ा सा प्रोसीजर है 2 मिनट के लिए। हम ये करने के बाद कम से कम 1 मिनट तक या 45 सेकंड तक मिनिमम इंतज़ार करते हैं, उसके बाद से जो है ना वो कास्ट्रेशन दोबारा परफॉर्म की जाती है। एक दफ़ा करके इसको ओपन करके ये दोबारा पकड़ देंगे। अब आपने क्या समझा, कास्ट्रेशन हो गई? नहीं, ये कास्ट्रेशन नहीं हुई अभी, इसके बाद कास्ट्रेशन होगी जो हम अब कर रहे हैं। अब मैंने चेक करना ये कास्ट्रेशन, कैमरा करीब करें, ये कास्ट्रेशन हुई है या नहीं, ये यहाँ से देखें, ये इधर से देखें, ये देखें ये जगह बिल्कुल जो है ना पिचक चुकी है, यहाँ से देखें, ये देखें ये। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद थोड़ा सा
इससे नीचे एक दफ़ा दोबारा क्लैंप करेंगे। क्लैंप करने का मकसद ये है ताकि हमें कंफर्मेशन हो जाए भाई ये जो ऊपर वाली कास्ट्रेशन की थी वो ठीक हुई है या नहीं हुई। बस ये अफजल हैंडल ठीक क्यों तो तले करूँ अब ये देखें अब कास्ट्रेशन की ये देखें ये स्पर्मेटिकॉर्ड यहाँ पर आ गई। बात समझ रहे हैं ये कास्ट्रेशन में यही गलती होती है वो समझते हैं कास्ट्रेशन हो गई लेकिन ये कास्ट्रेशन स्पर्मेटिकॉर्ड स्लिप कर गई। इस गलती को नहीं करना खोलेंगे खुद से दोबारा इसको खुद स्पर्मेटिक कॉर्ड को